welcome back to my channel. This is Poonam Sharma and this video is a remake of this video. Well, ye video wasn't shooted properly, so I'm trying to make a good remake of that video. It will be in a more detailed way and I will be covering many such things in this video, so stay tuned till the end. So friends, we're gonna talk about ICI convocation in detail and I'm gonna show you my membership kit once again, and that is going to be a super refreshing moment for me. So let's begin. So ICI convocation is an event for newly enrolled members between some period, like say May to October. It's just an example. May to October के बीच में जितने भी members ने enroll किया है, like पहले आपका result आया CA final का, आपने clear किया, उसके बाद आपको membership का form fill करना होता है, और जब आपको membership मिल जाती है, अब एक period define हो गया कि इससे इस period के बीच में जितने भी नए membership numbers allot हुए हैं, जितने भी न्यूली एनरोल्ड मेंबर्स हैं इन द रजिस्टर ऑफ ICI, उनके लिए एक फंक्शन होता है जस्ट लाइक ग्रेजुएशन डे. तो ICI कॉन्वोकेशन कंडक्ट होता है, जनरली देखा गया है कि जनवरी और फरवरी में होता है. सो उस फंक्शन में न्यूली एनरोल्ड मेंबर्स को सर्टिफिकेट दिया जाता है, अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप अलॉन्ग विद किट. सो फॉर योर कॉन्वोकेशन वेन्यू एंड टाइमिंग्स आर ईमेल बाय ICI. डिफरेंट डेट्स होती है डिफरेंट सिटीज के अकॉर्डिंग, जो कि आपको ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा. एक लिस्ट निकलती है, ठीक है, लाइक इस तरह की कुछ, जिसमें कि आपको वेन्यू एंड टाइमिंग्स मिल जाएगी. एंड उसके साथ ही उसमें ये भी मेंशन होता है कि इस नंबर, इस मेंबरशिप नंबर से लेके इस मेंबरशिप नंबर तक के लोगों के लिए ये कॉन्वोकेशन है. सो ICI कॉन्वोकेशन जनरली हैपन्स ऑन सैटरडे और फ्राइडे. जनरली माइन वॉज ऑन सैटरडे 9th February 2019 एट यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली. नाउ लेट्स सी सम कॉमन क्वेश्चंस and some confusions in the mind of all the newly enrolled members. So question number one is that whether can I apply for a change of venue in case I've relocated to some other city, whatever is the reason. Answer to this question is definitely yes, you can ask for a change. For that you have to intimate through email only. जो मेल आपको ICI से आएगी फॉर अटेंडिंग कॉन्वोकेशन, उसी मेल पे आपको रिप्लाई करना होगा, एक ईमेल आईडी दी होगी. सो यू जस्ट नीड टू इंटीमेट थ्रू ईमेल वेयर यू विल बी एबल टू अटेंड द कॉन्वोकेशन, सो दैट वहाँ के जो भी रीजनल ऑफिस है उनके पास आपका सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप सेंड कर दिया जाए, ताकि आपको उस कॉन्वोकेशन में आपको सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप मिल. सो क्वेश्चन नंबर टू इज दैट कि गेस्ट फैमिली मेंबर्स कितने अलाउड है लाने अपने साथ. आप ला सकते हैं, आप जो मेल पढ़ेंगे इसमें टू गेस्ट मेंबर्स अलाउड है, बट आई हैव सीन दैट कि मम्मी पापा भाई बहन आते हैं, सो यू कैन ब्रिंग देम अलोंग विद यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज देयर एनी प्रोसेस फॉर एनरोलमेंट फॉर कॉन्वोकेशन. नो, यू जस्ट नीड टू चेक कि जो भी रेंज दी है ICI ने इस मेंबरशिप से लेकर इस मेंबरशिप के बीच में जितने भी न्यूली एनरोल्ड मेंबर्स हैं, अगर आप उसमें फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली बिना झिझक अटेंड कर सकते हैं. उसके साथ ही यू नीड टू गिव अ कन्फर्मेशन ईमेल टू ICI. जो आपको मेल आएगी इस तरह की, उसी में आपको रिप्लाई करना होगा एंड यू हैव टू गिव योर कन्फर्मेशन दैट यू विल बी अटेंडिंग द कॉन्वोकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ आई मिस दिस कॉन्वोकेशन और इन केस आई वांट टू अटेंड द नेक्स्ट कॉन्वोकेशन. नो वरीज फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट एन इवेंट ओकेशन सेरेमनी. इट्स नॉट एट ऑल कंपलसरी एंड देयर इज नो पेनल्टी फॉर नॉट अटेंडिंग दिस इवेंट. वेल, आई बिलीव दैट एवरीवन शुड अटेंड इन केस दे आर एबल टू, बिकॉज आई थिंक दैट दिस इज अ लाइफ टाइम इवेंट, हैपन्स वंस इन योर लाइफ एंड यू नो ये इवेंट दोबारा नहीं मिलेगा आपको मौका टू अटेंड सच काइंड ऑफ कॉन्वोकेशन. सो इन केस यू आर एबल टू, देन प्लीज गो एंड अटेंड एंड एंजॉय द डे. Don't skip this precious day of your life. Okay? In case you're not able to attend this convocation, then you can definitely attend the next convocation. So you just need to follow the intimation process. You just need to make it sure that you're informing, you're intimating all the concerned persons so that they make necessary arrangements for your certificate so that you can attend the next convocation without any hindrances. So next question is, what if I don't have time to go to attend the convocation or if you're unwilling to attend the ceremony? Will ICI post me the kit and my certificate? Yes, ICI generally आपके registered address जो भी ICI के records में है वहाँ पे आपको membership kit आपका post कर देती है within 30 to 40 days. Other than that, you can also collect your certificate yourself. For that, you need to email to your regional council. So before going directly to regional branch or regional council, you need to drop an email so that वो आपका certificate अपने पास ले आए in case वहाँ पे नहीं है. So you need to drop an email. So next is, what is the dress code for that and what if I don't follow the dress code? Dress code for females is definitely sari, simple sari or formal suit. Suit, not suit, it's formal suit. And boys, for boys, suit. Not other than that. Well, your dress codes aapko email mein bhi mil jayenge, so no worries about that. What if I don't want to follow the dress code? See, aap alag hi chamkoge agar aap dress code follow nahi karoge.
वेल आई थिंक अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने जा रहे हो बिकॉज यू नो यू मस्ट बी अवेयर दैट की देयर टू पार्ट्स फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ इज अबाउट कलेक्शन ऑफ योर सर्टिफिकेट एंड द सेकेंड हाफ इज अबाउट यू नो डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ओके सो अगर आपका पर्पज यही है दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट योर सर्टिफिकेट एंड जस्ट गो बैक टू योर होम सो आई थिंक अगर आप नहीं भी करोगे तो आई थिंक इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस बट इट इज रिटन इन द ईमेल दैट यू नीड टू फॉलो द ड्रेस कोड प्रॉपरली For females, I would suggest that don't go for the formal suit in case you don't have. ठीक है अब इस डे के लिए स्पेसिफिकली यू डोंट नीड टू स्टिच और यू डोंट नीड टू स्पेंड 5,000 to 7,000 bucks. I'm saying it because I have spent 5,000 on stitching and I wore that I think 2 to 3 times only, maximum 3, not more than that. So that is still in my mirror, you can see. स्टिल उसी हालत में है जैसे वो आया था सो आई वुड सजेस्ट कि यू डोंट नीड टू बाय अ न्यू फॉर्मल सूट और डोंट गेट इट स्टिच्ड फॉर योरसेल्फ जस्ट वेयर अ सिंपल साड़ी दिस विल गिव अ गॉर्जियस लुक बिलीव मी इनफैक्ट आई वांटेड टू वेयर अ साड़ी बट इट वाज सो चिल्ड एंड कोल्ड सो आई प्रेफर टू वेयर अ फॉर्मल सूट एंड साड़ी वुड बी यूजफुल फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो सो अगर आपका कॉन्वोकेशन विंटर्स में है एंड यू रियली वॉन्टेड टू वेयर साड़ी देन जस्ट फोकस ऑन लुकिंग गॉर्जियस एंड फॉरगेट दैट इट इज विंटर्स एक दिन की बात है फॉर गुड पिक्चर्स यू नीड टू वेयर द विंटर्स सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू रीच द वेन्यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू रीच द कॉन्वोकेशन वेन्यू यू नीड टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू टू कलेक्ट योर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद अदर स्टफ्स लाइक फूड कूपन्स एंड योर किट देन इन केस यू डिसाइड टू टेक गाउन एंड मॉटर बोर्ड ऑन रेंट देन यू नीड टू गो एट दैट काउंटर एंड गिव 1,000 एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड कलेक्ट योर गाउन एंड मॉटर बोर्ड येस यू नीड टू कैरी कैश 1,000 कैश फॉर टेकिंग गाउन एंड मॉटर बोर्ड ऑन रेंट जब भी आप गाउन और मॉटर बोर्ड लोगे आपको 1,000 कैश डिपॉजिट करना होगा और जब आप उसे रिटर्न करोगे देन यू विल गेट योर मनी बैक उसके बाद लंच का टाइम चलेगा कॉफी लंच लंच का पैकेज फूड मिलेगा खाना वाना खा के सब सेट हो जाना है एंड देन यू एंटर द ऑडिटोरियम हॉल एंड देन द फोर सेशन बिगिंस As I said earlier that I did not attend the full day seminar. I left in first half only after lunch. So what I am going to tell is all what I've read on the internet or whatever my friends have told who attended the full day convocation. So when you enter the auditorium hall, आपको एक कोई number दिया. So generally what happens, जैसे आप stage पे enter करने वाले होते हैं, आपको certificate देना होता है नीचे and then जब आप stage पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको जिसके भी through certificate आपको वही certificate आपको वापस मिल जाएगा. Option of you know going back home after just collecting your certificate. ठीक है सर्टिफिकेट के बाद वाला ऑल पार्ट इज जस्ट अबाउट यू नो ऑनर एंड फोर सेशंस देन देयर इज एन ओ सेशन उसके बाद फर्स्ट रैंक होल्डर्स आर कॉल्ड ऑन द स्टेज एंड देन उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन सीरियल नंबर वाइज आपको स्टेज पर बुलाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू आई गेट द फोटोज क्लिक एट द सेशन सी जो भी फोटोज क्लिक होते हैं वेल WIRC NIRC इस तरीके के चार हिस्से हैं WIRC की वेबसाइट पे मैं गई तो मुझे एक ये PDF फाइल मिली जिसमें कि कॉन्वोकेशन के कई सारे पिक्चर्स थे आई थिंक WIRC की वेबसाइट पे वो पिक्चर्स मिल जाती है जो कॉन्वोकेशन में क्लिक होती है NIRC के लिए मुझे कोई पिक्चर नहीं मिली पुणे के लिए भी मुझे मिल गई थी सो फॉर NIRC लाइक माइन वॉज इन NIRC सो आई आस्क वन ऑफ माई फ्रेंड एंड टोल्ड मी दैट कि यू हैव टू पे सम फीस फॉर द फोटोज एंड वो फोटोज क्लिक करते हैं आपको एंड देन दे कुरियर इट टू योर वेल गाइस दिस इज स्टोरी ऑफ फरवरी 2019 आई डोंट नो द करंट स्टेटस वेयर यू गेट योर फोटोज सो इन केस एनी वन ऑफ यू नो How anyone can get the photos, click at that session, how they can collect it or how they can get it. Please write in the comment section to help them. Now I think most of the questions were answered in this video. So most of the queries will be resolved through this video only. But I would suggest that you need to attend the full day seminar. Don't leave without getting your certificate on the stage because I missed that part and I really regret that. See, you already stay kar chuke ho 2 PM tak. तो उसमें कोई हार्म नहीं है कि आप 2-3 घंटे और रुक जाओ बिकॉज ये जो फीलिंग है आप स्टेज पर जाके अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करोगे यू नो ऑडिटोरियम में इतने सारे लोगों के बीच में बैठोगे आपका नाम कॉल किया जाएगा CA दिस एंड दिस सो यू विल बी कॉल्ड ऑन स्टेज एंड यू विल बी गिवन योर सर्टिफिकेट दैट फीलिंग इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट दैट थिंग इज गोइंग टू मेक योर डे सर्टिफिकेट जाके कलेक्ट करके घर आने से आपका दिन नहीं बनने वाला है कॉन्वोकेशन यू नीड टू गेट इट ऑन द स्टेज ठीक है उसके साथ ही आई वुड से दैट आप 1,000 कैश लेके जाओ डिपॉजिट करो और आप अपना जो गाउन है उसे कलेक्ट करो मॉटर बोर्ड कलेक्ट करो एंड उसको वेयर करके आप पिक्चर क्लिक करवाओगे दैट विल डेफिनेटली बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस देन जस्ट क्लिकिंग द पिक्चर्स इन योर नॉर्मल फॉर्मल सूट और साड़ी उसको वेयर करके ग्रेजुएशन की अलग ही फीलिंग आती है उसके आपको इस तरीके से उड़ा के सो आई वुड से दिस जस्ट गेट दैट ठीक है योर मनी विल बी गिवन यू बैक बिकॉज आई डोंट इवन हैव अ सिंगल पिक्चर इन दैट गाउन एंड विद दैट कैप यू नो सो आई रियली मिस दैट पार्ट
go attend the convocation, take the gown, water bar, and just get the best pictures clicked and just cherish those pictures whole of your life. Now finally, let's move to my kit and I'm gonna show you all of those stuff in this video. Now let's unpack the membership kit. So first one is here, this membership certificate, ठीक है? Okay, ये बड़ा था, मैंने इसको साइड से कट कर दिया है. Let's come to the next. Next is this scarf, I still have this and this is not even used today. Because ये जो है ये perfectly square shape में है. Square shape में है and this कपड़ा is very soft. But ये use में नहीं आया, I don't know how to use it, how to carry this scarf. ठीक है? I think it will be carried in this way. Next is the CD. It is still packed, you can see. The person is still on this. So, not used to it. So, the envelope was... So, I had the big envelope in three small envelopes so that I could use it. Now, next is... So ये वाला पेन एक दो बार यूज किया है तो पूरा दिन यूज करूंगा मैं लगता है खराब हो गया दान कर ये वाला पेन लगा है अंदर डाल मुझे नहीं ले सकते आराम से सो ये पेन मैंने हार्डली एक दो बार यूज किया मैं नहीं चलने वाली हूँ मैं तो इसको आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट मच बिकॉज इसका रिफिल खत्म हो जाएगा आई रियली डोंट वांट टू चेंज द रिफिल Okay. So next one is this keychain. इसका ये निकल गया है पीछे से. Then here is this. So I think पीछे पिन लगा के you need to fix it. So I think all items have shown you and yeah that's all for this video I hope you like this video and enjoy this video and yeah please don't forget to watch my CA car sticker video you'll find the link in the description box okay so that's it I'll see you in the next video bye bye